वेलकम टू द कुमारदेव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। इसका पार्ट 3 आइए शुरू करते हैं। संपत्ति का अधिकार सीमित या असीमित। संपत्ति के अधिकार को लोक मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार मानता है। एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए, इस प्रश्न पर होक के विचार बदलते रहे हैं। आरंभ में वह इस पर सीमा लगाता है, किंतु जो जो वह इस सिद्धांत की व्याख्या करता है, संपत्ति का यह सीमित अधिकार असीमित अधिकार में बदल जाता है। आरंभ में लोक ने संपत्ति के अधिकार पर 3 सीमाएं निर्धारित की है। संपत्ति उतनी ही उचित है जितनी किसी के निर्वाह के लिए आवश्यक है। भूमि की संपत्ति उतनी ही अपेक्षित है जितनी कोई जोत सके, उसकी उपज को वह अपने उपयोग में ला सके। मनुष्यों को दूसरों के लिए भी प्रत्येक वस्तुएं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि संतुष्टि व आत्मसंरक्षण का अधिकार सभी का है। केवल उतना ही संसाधनों को निजी संपत्ति की परिणत किया जाए जितना उपयोग के लिए आवश्यक है। व्यक्ति को चाहे कि वह ईश्वर प्रत्येक वस्तु को ना नष्ट करे और ना खराब करे। व्यक्ति का केवल उन वस्तुओं का अधिकार है जो स्वयं को श्रम से प्राप्त की है। सीमाओं का समापन। लोक के अनुसार जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और मुद्रा का प्रचलन हुआ, वैसे वैसे इन सीमाओं का परिवर्तन प्रारंभ हो गया। अब व्यक्ति असीमित संपत्ति का चयन कर सकता है। इस संबंध में लोक का तथ्य है, मनुष्य यदि अनाज फल आदि प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता से अधिक चयन करे तो खराब हो सकते हैं। किंतु स्वर्ण या चांदी, मुद्रा, अन्य मूल्यवान वस्तु को नष्ट नहीं होती। उसका असीमित मात्रा में चयन करने से कोई हानि नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति दूसरों से अधिक प्राप्त कर लेता है, बेघर बड़ी भूमि पर अपनी समझ से नियंत्रण करके फसल उगाता है, तो दूसरों की कोई हानि नहीं होती। जिन लोगों के पास भूमि है या जो भूस्वामी नहीं है, वे श्रमिक के रूप में इस पर काम कर सकते हैं। मनुष्य का अपना श्रम पर पूर्ण नियंत्रण है। वह उसकी संपत्ति है जिसे वह अन्य वस्तुओं की तरह खरीद या बेच सत्ता है। श्रम बिक जाने के बाद खरीदने वाले की संपत्ति बन जाता है। उससे होने वाला उत्पादन भी उसी की संपत्ति होता है। इस प्रकार लोक का तख्त 17वीं शताब्दी के पूंजीवादी वर्ग की मांगों को उचित ठहराने का प्रयत्न सिद्ध होता है। वह न केवल उत्पादन का उद्देश्य से असीमित संपत्ति के चयन को उचित ठहराता है, वरना राज्यों को निजी संपत्ति की सुरक्षा का समाधान बनाकर बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने से रोकता है। मूल्यांकन। लोक के प्राकृतिक विचारों का सिद्धांत सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। व्यक्तिवादी होने के नाते वह व्यक्तिगत कल्याण के लिए अधिकारों को आवश्यक मानता है। अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र तथा फ्रांसीसी घोषणा पत्र में भी व्यक्ति के हस्तांतरणीय वे आदि अधिकारों की चर्चा की गई है। तथापि 19वीं शताब्दी के राजनीतिक चिंतकों ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार कर दिया। एडम वर्ग ने उन्हें काल्पनिक बताया, जबकि वेथक केवल कानूनी अधिकारों का पक्ष लेता है। कर्तव्यों के अभाव में अधिकार स्वास्थ्य पूर्ति का कारण बनते हैं, यथा सामाजिक दायित्वों को अनदेखा करते हैं। लोक की संपत्ति का सिद्धांत भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि निजी संपत्ति व्यक्तिगत विकास तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक है। संपत्ति चयन का सर्वधन अध्याधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है, जो उत्पादन में सहायक सिद्धि होता है, किंतु लाभ की दृष्टि से यह गया उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं को नकार देता है। बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है तथा समाज में आर्थिक असमानता को बल मिलता है। अंत लोग व्यक्तिगत होने के नाते व्यक्ति के विकास का पस्तर है। वह राज्य की सीमित
सत्ता पर बल देकर उसे व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा का साधन बना देता है। उसका निजी संपत्ति का सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन है। असमानता के विषय में रूसो के विचार। जो जैक रूसो 1712-78 18वीं शताब्दी का अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक दर्शन था, होक्स तथा लोक की तरह रूसो ने भी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रूसो के 3 प्रसिद्ध शब्द स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा भावी संविधानों का आधार बने। उसका मत था कि आधुनिक राजनीतिक तथा आर्थिक प्रगति व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है तथा समाज में असमानता को जन्म देती है। रूसो ने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें विषमता पर प्रधा तथा सामाजिक समझौते सार्वजनिक महत्वपूर्ण। उसे अपने प्रथम ग्रंथ में समाज में अवसत्ता के कारणों का स्पष्टीकरण किया, जबकि दूसरे ग्रंथ में सामान्य इच्छा पर आधारित एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की है जो स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रमतत्व पर आधारित होगा। रूसो की यह क्रांतिकारी विचार फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम स्वरूप सिद्ध हुए। इसी द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत लोक की लोकप्रियता, संप्रभुता, होक्स के पूर्ण प्रभुतावाद का से मिश्रण प्राप्ति होता है। रूसो का दर्शन ग्रीक का आदर्शवाद है तथा समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत फ्रेडफार्ट स्कूल से जुड़े विचारकों के नव मार्क्सवाद का प्रेरणाता माना जाता है। असमानता का विश्लेषण। रूसो ने अपने ग्रंथ विषमता पर प्रधा में असमानता के कारणों का विश्लेषण करते हुए 2 प्रकार की असमानताओं का वर्णन किया है, प्राकृतिक जैविक असमानता तथा पारंपरिक नैतिक व राजनीतिक असमानता। प्राकृतिक असमानता से तात्पर्य है शरीर व मानसिक विभिन्नता। इसमें बहुबल, प्रतिभा, सौंदर्य, आयु, स्वास्थ्य आदि की विभिन्नता शामिल है जिस पर व्यक्ति का कोई बस नहीं होता। परंपरागत या नैतिक व राजनीतिक असमानता सामाजिक संस्थाओं का परिणाम है। यह समाज में व्यक्त राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक विभेद की उत्पत्ति है जो मानव निर्मित है। समाज के राजनीतिक व आर्थिक ढांचे में प्राकृतिक परिवर्तन करके इस प्रकार की असमानता का अंत किया जा सकता है। असमानता की उत्पत्ति। होस्ट तथा लोक की तरह रूसो भी राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादक करता है। समानता असमानता में कब तथा कैसे परिणित हुए अथवा असमानता की उत्पत्ति का क्या कारण था, यह बताने के लिए उसने राज्य की उत्पत्ति के कारण का विश्लेषण किया। इस संदर्भ में उसने होक्स वेहलोक की तरह मानव स्वभाव तथा सामाजिक समझौते से पहले प्राकृतिक असमानता का वर्णन किया। प्राकृतिक असमानता को उसने 3 चरणों में बांटा है, आधमिक, प्राकृतिक आस्था, अवसत्ता। इस अवसत्ता से रहने वाला मानव प्राकृतिक मानव था जो भोला, स्वाधीन, संतुष्ट, आत्मनिर्भर तथा चिंतामुक्त था। रूसो ने उसे उत्तर वन्य प्राणी कहा है। वह वन में रहता है किंतु भद्र वनवासी था। वह पाप, भ्रष्टाचार,
दुष्टता, हिंसा, क्रूरता, युद्ध, शांति, उद्योग, भाषा से अवज्ञ था। उसमें केवल आत्मप्रेम तथा आत्मरक्षा का भाव था। प्राकृतिक के संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेने के कारण उसे किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। डेनिक के अनुसार रूसो का प्राकृतिक मनुष्य ना तो मांटे मनसेक्यू के मनुष्य की तरह डरपोक था, ना ही होस के मानव की तरह आक्रमण व लड़ाकू। रूसो का प्राकृतिक मानव सरल व स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला मानव था। मध्यवर्ती प्राकृतिक आवश्यकता रूसो की उपयुक्त वानीम आवश्यकता चिरकाल तक नहीं चल सकी। जनसंख्या बढ़ने लगी तथा प्राकृतिक संसाधन अपेक्षाकृत कम पड़ने लगे। प्राकृतिक आपदाओं से भी मानव की जीवन शैली में परिवर्तन आया। परस्पर निर्भरता तथा सहायता की आवश्यकता पड़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता व एकताएं में जीवन प्रभावित हुआ। व्यक्ति से सहानुभूति व सहयोग की भावना जन्मी। मनुष्य ने अब वन्य जीवन को त्याग कर नदी के तट पर रहना आरंभ कर दिया। निजी संपत्ति, घर तथा कुंडोम के विकास से प्रतिस्पर्धा संघर्ष तथा मेरे तेरे की भावना का जन्म हुआ। भूस्वामित्व तथा बाद की आवश्यकता। मध्यवर्ती प्राकृतिक आवश्यकता का अंत भूमि पर निजी स्वामित्व स्थापित करने के साथ हुआ। रूसो के अनुसार वह पहला मनुष्य था जिसमें भूमि के एक टुकड़े को चारों तरफ से घेर कर लोगों से कहा, यह मेरी है, तथा लोगों ने भोलेपन में इस बात को मान लिया। वास्तव में संपत्ति तथा नागरिक समाज की मूल संस्थापक था। यही से असमानता का जन्म हुआ। भूमि पर नियंत्रण बढ़ने वाले लोगों भूस्वामी बन गए, जबकि कुछ लोग भूमिहीन रह गए। इससे धनी निर्धन का भेद बढ़ा तक झगड़े, प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या का जन्म हुआ। मनुष्य से सुख शांति से हाथ धो बैठा। दमन तथा अत्याचार की इस व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों ने सामाजिक समझौते किए। इस प्रक्रिया ने राज्य तथा कानून को जन्म दिया। इसमें समस्त मानव जाति को नियंत्रण, परिश्रमिक दासता तथा दयनीय स्थिति में धकेल दिया। समानता की वापसी अथवा सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। रूसो के अनुसार समानता को वापस लेने के लिए प्राकृतिक अवसद्धा में लौटना संभव नहीं है। अंत उसने समझौते द्वारा नए समाज की स्थापना का मार्ग सुलझाया। रूसो के अनुसार एक ऐसे समुदाय का निर्माण की आवश्यकता है जो अपनी संपूर्ण सामान्य शक्ति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के सुख की रक्षा करें। इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक अभिन्न रूप में बाधा होने के बावजूद केवल अपनी इच्छा का ही पालन करेगा तथा प्राकृतिक आवश्यकता जैसे स्वतंत्र अनुभव करेगा। रूसो के अनुसार ये समझौते प्रत्येक व्यक्ति के साथ किया, किंतु समझौते द्वारा व्यक्ति के स्थान पर असमसिट की स्थापना होती है। इस पर
समझौते दो पक्षों में बीच किया जाता है। एक पक्ष में मनुष्य अपने वात्यक रूप से होते हैं तथा दूसरे में सामूहिक रूप में होते हैं। समझौते करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने यह कहा, मैं अपने शरीर और अपनी सभी शक्तियों को सामान्य इच्छा की देखभाल में समाज को सौंपता हूँ। हम प्रत्येक व्यक्ति को समाज के अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। रूसो के अनुसार प्राकृतिक सुविधा की सुखद स्थिति में अंत हो जाना ही सामाजिक समझौते का कारण बनना। इस संदर्भ में उसका कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु स्वतंत्र प्रतिबंधों से जकड़ा हुआ है। रूसो का ये कथन समाज की उस सुखदेह स्थिति की ओर संकेत करता है जिसमें समानता, स्वतंत्रता और भर्वतत्व के लिए कोई स्थान नहीं। इस स्थिति में छुटकारा पाने हेतु सामाजिक समझौते द्वारा सामान्य इच्छा पर आधारित राज्य की स्थापना करना ही एकमात्र उपाय था। यह समझौते वास्तविक रूप से सामाजिक के क ख ग व्यक्ति द्वारा क ख ग ग के साथ किया गया है। इस प्रकार राज्य संस्था की स्थापना हुई। इस व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार तथा शक्ति उससे पृथक ना होकर उसके पास ही रहे, किंतु व्यक्तिगत रूप में ना होकर सामूहिक रूप में। इसका कारण ये है कि व्यक्ति अब संग्रहण का भाग अंग बन जाता है। एक और व्यक्तिगत तौर में अपने अधिकार सामाजिक को सौंपता है, किंतु मैं स्वयं ही समझौते द्वारा संग्रह का मांग है। अंत समाज को सौंपे गए अधिकार वापस उसे प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार समझौते द्वारा व्यक्ति कुछ खोता नहीं अपितु पूर्ण प्राप्त कर लेता है। सामान्य इच्छा द्वारा संचित राज्य में वह शासक भी है और शासित भी। पहले वह अधिकार जो प्राकृतिक थे तथा स्वयं व्यक्ति द्वारा संरक्षित थे, अब नागरिक अधिकारों में परिणित हो जाते तथा राज्य की सामूहिक शक्ति द्वारा संरक्षित होते हैं। इस समझौते से राज्य तथा शासन सरकार दोनों की रचना होती है। एक बार संपत्ति किए गए अधिकार वापस नहीं लिए जा सकते तथा सामान्य इच्छा पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। सरकार इस प्रभुत्व शक्ति द्वारा नियुक्त यंत्र मंत्र है। रूसो का समझौते होक्स से भिन्न है। होक्स के अनुबंध में सभी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं समझौते से बाधा नहीं है संरक्त अधिकार व शक्तियाँ बिना शर्त सौंप देते हैं। समझौते के परिणाम स्वरूप निरंकुश संप्रभु की स्थापना होती है। क्योंकि संप्रभु को सौंपे गए अधिकार वापस नहीं लिए जा सकते, इसके विपरीत रूसो का समझौता व्यक्ति के मध्य है। व्यक्ति जिस संपूर्ण समझौता को अपनी सत्या सौंपता है उसका वह स्वयं भी भाग है। सामान्य इच्छा व्यक्ति के विवेकी इच्छाओं का ही योग है। इस प्रकार समझौते के बाद संपूर्ण सत्ता समाज में ही निवास करती है तथा प्रत्येक व्यक्ति प्रभु सत्ता का सहभागी बना रहता है। रूसो की लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा लोक क्या अधिक निकट है।
तथापि दोनों में अंतर भी है, क्योंकि लोग के समझौते में सरकार को निरास के रूप में प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है, जिसका निर्वाह ना किए जाने की स्थिति में उसे क्रांति द्वारा अपसृत करने का अधिकार व्यक्तियों को सौंपा गया है। किंतु रूसों के अनुबंध में ऐसा संभावना नहीं है। यह समझौता संपूर्ण समाज की सामान्य इच्छा की परिणति है, व्यक्तिगत इच्छाओं की नहीं। प्रत्येक प्रजातंत्र पर आधारित सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसों के अनुसार सामाजिक समझौते का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जो संपत्ति पर आधारित असमानताओं का अंत करके व्यक्तिगत पहचान पर आधारित समानता की स्थापना करे। व्यक्ति की प्राकृतिक स्पर्धाओं समताओं का विकास प्रत्येक प्रजातंत्र के आधार पर स्थापित समस्या इच्छा में ही संभव है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति अभिन्न अंग होगा। रूसो के अनुसार व्यक्ति की दो प्रमुख इच्छाएं होती है। दोस्तों, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। हम इसका नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।